नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ पालो जी हैं जो 70 सालों के हैं और ये आज भी नौजवानों की तरह काम करती हैं। इतनी उम्र में ये आज भी किस तरीके से बाग बाग के काम करती हैं, इनसे जानते हैं क्या है इसका, इनके अंदर कैसे, इनके अंदर ये सोच कैसे, इनके अंदर ये मोटिवेशन है, ये भी इनसे बातचीत करेंगे। पालो जी, द फैक्ट टाइम थोड़ा स्वागत है। पालो जी, 70 सालों की हो आप? 70 साल जब बद होंगी कट नहीं है बद होंगे अपने तनाजे में कहीं 70 साल की, पर मैनू हौसला बहुत है। जिदन का मेरा पिताजी इतने आ गया उदन का मेरा हौसला गिरा है। मैं फिर दी एक मैं कहनी मेरे पिताजी का आ जा, मैं भी चोला छड़ दूंगी फिर तही करना मेरा संग संग तही होना भी मैंने जीने का कोई तिरग नहीं। मैं एक हौसला फिर मैंने दूसरी जमीन से चार होया। क्या क्या काम कर क्या क्या काम कर लेते हम? मैं गोहा भी चक दी है, पानी भराऊ, मैं ऐसा नहाऊ कख पाऊ, अपने नहाऊंगी रोटी पका के भी खा लेनी, जो कोई नहीं पका के दिता पका के खा लेनी। मैंने कोई सारे काम कर लेते सारा काम जिन्ना मर्जी मैंने लोग माहौल करते हैं कहने बुढ़ी किकन फिर दी नौजवान मंगण कहें इन कि हौसला मन मन पिता जी का हौसला। मेरा सतगुर मेरे गैल है, मैंने हो किसी क्या लोड़ है, मैं सतगुर की लोड़ है, मैंने किसी की कोई लोड़ नहीं। बीमार भी है, गठिया मनु है, राति नड़द भी हुई है, पर धड़कन मेरी बाधी घर दी भी है, पर मैं परवाह नहीं करती, उठा नारा ला खड़ देनी उठी मैंने ठीक हो जाए। इतनी बीमारियों के बावजूद इतनी बीमारी हो गई मैंने। आपके ऑपरेशन ऑपरेशन भी हुए हुए हैं? अखा के हुए दो लेंस पे दो हाथ दोनों लेंस पड़े। हाँ तो भी आपको भी कोई तकलीफ नहीं? जवाब दे दिया कहने भाई तेरा लेंस नहीं पैना, तेरी निगाह है नहीं पूछे। महा मेरा ऑपरेशन कर दो, निगाह देना मेरा बापू ऊपर बैठा, मेरी अखा चेज लग गई। उन्होंने करते भाई जो कहने मैं तुम देखने बच्चे नड़ा है इनके बच्चे महा नड़ा मेरे गई कि नड़ा मेरे को बहुत हंसे थे डॉक्टर। आप कब से जुड़े हुए आप उनके साथ? मैंने 25 साल हो गए। 25 सालों से मेरे घर आ भी था वो तो ऊपर जाए। कितना विश्वास करते हो गुरु जी? मैंने बहुत विश्वास है, अंग संग में लोगों का लड़प नहीं है। तेरा गुरु है महा मेरा गुरु को है, थोड़े बहुत बदमाशा ने इन्हें ठेकियाँ दारू जिन्हें मीट आंडा नहीं जिन्हें चढ़काई नहीं है उन्होंने दूसरा लाया जो गुरुद्वारे में चढ़ा जो हवा नहीं चढ़ता वो लड़ते हैं। मेरे का पाठी भी लड़ पाने हैं, मैं तेरा क्या दब लिया, तेरा क्या चक लिया, क्या तेरा दबे दस समय मैं तुम दमा ढेडवा मारू हूँ मारू हाँ लाठी चक के मैं जो मेरे को बिना जी ना माड़ा कहा मैं लड़ पानी लोगों का जेडे आरोप उन्होंने लगाए गए जो प्रूफ लाए वो प्रूफ झूठे है। सच्चा कोई नहीं, सच्चा साड़ा गुरु है, झूठे लाए जो दूसरा लाए उन्हें झूठे हैं वो छेती छेती बाबा सानू दर्शन दे जमा जरूरत है संत जी की समाज में जरूरत है संत जी दी लोकां नू जरूर सानू बहुत जरूर क्यों जरूरत है उन्होंने काम की किते लोकां दे लिए समाज काम करे उन्होंने बहुत चंगे काम करे है ऐनियां रूहां नू गैल लाया कोई सौखा नहीं। बच्चा अपना नहीं बनता ढिड जमया होया कहे नू किन्ने लाख दे दे अज मेरे को 2 लाख रुपया था मेरा वह भी बच्चे खा गए वह भी मेरे लाख ही लग गए इन्हें मैं क्या दिता एकदम कुछ भी नहीं कोई दान चढ़ावा आपसे कभी मांगा कोई गया नहीं चढ़ावा नहीं मंगे सच कोई दान नहीं कोई मंगया पूरा कोई गल्ला रखा कुछ नहीं पूरा कुछ नहीं रखा हुआ है पूरा तो सच्चे सौदे आए लंगर सानू आप खाने ये लोगों ने झूठे दिखावे करे हुए हैं जिन्हें का कुछ विकया नहीं है ना वो महाराज जी ने दूसरन लाए हैं पैना सावना साड़ा साड़ा ले जा रोटी पानी साड़ा ले साढ़े बासू साड़े ले जाए है ले भी कि गल पिता जी ने दूसरन लाते दुश्मन आ सुरक्षा कैसी है लड़कियों की डेरा सजा इन्नी सुरक्षा करते पढ़ाते लिखाते बच्चे मगर मनते हैं। गुरु जी का स्वभाव किमें गुरु जी स्वभाव बहुत चंगा बहुत अच्छा की मांग करोगे सरकार तो अभी तो यही कहने भी छेती छेती इन राय कर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है इनका सच, ये आज भी 70-80 सालों की हैं, आज भी ये नौजवानों की तरह बाग बाग के काम करती हैं। इन्होंने बताया इनको गठिया और इनकी नाड़ दबी हुई है, 2-3 ऑपरेशन भी इनके हो चुके हैं, इतनी बीमारियों के बावजूद भी ये सारा काम करती हैं। ये हौसला बता रही हैं कि इनके अंदर हौसला है,
संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, जिन्होंने लोगों का नशा छुड़वाया, जिन्होंने वेश्या को बेटे बनाया, ऐसे संत को आज ये अपना दर्द समाज के सामने रख रही हैं कि उनको क्यों झूठा बदनाम किया गया। सरकार से मांग कर रही हैं कि संत जी को समाज में वापस आना चाहिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।